नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे व्हाट इज पीआईडी कंट्रोलर एंड हाउ इट वर्क्स इन एलएम ब्रैडली पीएलसी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे पीआईडी कंट्रोल यूज इन एलएम ब्रैडली पीएलसी। तो पहले आज हम देखेंगे पीआईडी कंट्रोल की ओवरऑल थ्योरी देखेंगे। प्रैक्टिकल सेशन हम अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीआईडी कंट्रोल सीखने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम से। एक्चुअल में कंट्रोल सिस्टम क्या है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पीआईडी कंट्रोल समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कंट्रोल सिस्टम दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरी है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वो है जहां पर आपको कोई फीडबैक नहीं मिला, उस सिस्टम का आपको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि आप यहां से एक मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहां से वो डिस्टेंस में है 100 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर आप उसको ऑन कर रहे हो, वहां पर वो ऑन हुए या नहीं हुए आपको उसका कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा, उसको क्या होगा, आपका ओपन लूप सिस्टम हो गया, ठीक है? आउटपुट आपका ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्या है, वो सिस्टम ओपन लूप सिस्टम है। दूसरा आता है क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा कि आपको उसका फीडबैक मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सिस्टम का फीडबैक मिलेगा, तो उसको कहोगे आप क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम 5 कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो मोस्ट यूज होती है, हम जो देखने वाले पीआईडी कंट्रोल वो भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है? उसके बाद है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। फीड फॉरवर्ड मतलब क्या, फीडबैक तो मिल रहा है, उसके अगेंस्ट और भी क्या मिल रहा है आपको, जो एक्शन होने वाले उसका प्रेडिक्शन भी मिल रहा है, उसका क्या है आपको प्रेडिक्शन भी मिल रहा है, ठीक है? कास्केड मतलब क्या है, सीरीज जहां पर आपके दो कंट्रोलर यूज होंगे। रेशियो मतलब क्या है कि आपको दो पैरामीटर्स मिलेंगे, उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा इन अ रेशियो, इन अ रेशियो। देन आपको मिलेगा स्प्लिट, मतलब क्या है, एक ही इनपुट है लेकिन दो आउटपुट है, तो उसको आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, दोनों में अलग सही से बांट दोगे, तो उसको कहेंगे स्प्लिट कंट्रोल। इसको अगर अच्छे से देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पीआईडी कंट्रोल। तो पीआईडी कंट्रोल का फुल फॉर्म क्या है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो इंडस्ट्री में मेनली यूज होने वाले 5 पैरामीटर कौन कौन से है, टेम्परेचर है, फ्लो, लेवल, प्रेशर एंड फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर, फ्लो, लेवल एंड फ्रीक्वेंसी, ये पैरामीटर्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इस पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एनालॉग कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, और उसमें हम क्या यूज करेंगे, पीआईडी कंट्रोलर। क्या यूज करेंगे, पीआईडी कंट्रोलर। तो वो क्या करेगा, इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर वो काम करेगा, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव, ठीक है? तो पहले फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या होती है और उसके अंदर पीआईडी कंट्रोल सिस्टम किस तरह से यूज होगी, ये पहले समझ लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल समझ लो आप। मान लो कि आपको क्या करना है, टैंक की लेवल को कंट्रोल करना है। तो आप क्या कर रहे हो, एक लेवल ट्रांसमीटर ले रहे हो, ठीक है? लेवल ट्रांसमीटर यहाँ पर क्या है, लेवल मेजरमेंट करेगा, और टैंक की लेवल को आउटपुट क्या कर रहा है, एक कंट्रोल वाल है जो क्या करेगा, उससे टैंक की लेवल क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है, तो उसको आप कंट्रोल करोगे तो टैंक की लेवल आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल यूज कर रहे हो, और वो कंट्रोलर क्या करेगा, कौन सा कंट्रोल है आपका, पीआईडी कंट्रोल। तो वो क्या करेगा, जितना आपका मेजरमेंट पे मतलब वैल्यू मिल रहा है, मतलब जितना आपको फीडबैक मिल रहा है, उसके अगेंस्ट क्या वो कर रहा है, वो कंट्रोल वॉल को कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पर एक सेट पॉइंट है जो कि यूजर डिफाइन वैल्यू, जो सेट पॉइंट यूजर डालेगा कि उसको टैंक की लेवल कितनी चाहिए, 50% चाहिए, 60% चाहिए, 80% चाहिए, ये डिपेंड्स, ठीक है? तो इस तरीके से वो क्या करेगा, सेट पॉइंट सेट करेगा। तो इसको कहते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली कुछ पैरामीटर्स है, वो पहले समझ लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स है। तो सबसे पहला पैरामीटर है प्रोसेस वैल्यू। क्या है, प्रोसेस वैल्यू, जो आपको फीडबैक मिलेगा, जो भी आपकी मेजर वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी प्रोसेस वैल्यू होगी, वो होगी आपकी पीवी, ठीक है? सेकंड है यूजर डिफाइंड सेट पॉइंट। क्या है, सेट पॉइंट। थर्ड आपकी जो कंट्रोलर का आउटपुट होगा उसको कहते हैं एमवी, मतलब मैनिपुलेटेड वैल्यू, जो कंट्रोलर कैलकुलेशंस करके जो आउटपुट देगा उसको कहेंगे आप मैनिपुलेटेड वैल्यू।
उसमें आएगा आपका कंट्रोलर का आउटपुट किसी डिवाइस को जाएगा और वो जो डिवाइस जो आउटपुट जनरेट करेगा, मान लो कंट्रोल वॉल है, कंट्रोल वॉल क्या मिल रहा है 4 to 20 मिलियम्स, आउटपुट क्या होगा ओपनिंग 0 to 100% में, तो वो क्या है आपकी कंट्रोल वैल्यू, वो क्या है आपकी कंट्रोल वैल्यू। अब यहाँ पर और एक पैरामीटर है जो ओनली कंट्रोलर यूज करता है, वो है एरर, वो है एरर। तो एरर क्या होता है, सेट पॉइंट माइनस पीवी, सेट पॉइंट माइनस पीवी मतलब जो कि सेट पॉइंट है माइनस प्रोसेस वैल्यू जो आउटपुट होगा उसको कहेंगे एरर, उसको कहेंगे एरर। ठीक है, ये एरर कौन यूज करता है, ओनली कंट्रोल यूज करेगा। ठीक है, तो ये आपका हार्ड पीआईडी मतलब सिंगल लूप के लिए यूज कर रहे हो, मान लो एक टेम्परेचर कंट्रोल करना है एक लूप का, तो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप आपका एक टेम्परेचर इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, जो भी आपका कंट्रोल एलिमेंट है उसको आउटपुट जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल यूज करना है, एक से ज्यादा पीआईडी कंट्रोल लूप यूज करना है, तो आप पीएलसी यूज कर सकते हो या फिर डीसीएस यूज कर सकते हो या फिर पीएलसी बेस्ड डीसीएस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ पैरामीटर्स है, उसको कहते हैं ट्यूनिंग पैरामीटर्स। अब ये ट्यूनिंग पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल गेन भी कहते हैं, केपी मतलब क्या है प्रोपोर्शनल गेन। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल गेन बेसिकली यूज, इसका यूज क्या है, बोले किसी भी सिस्टम का गेन निकाल रहे हो आप, क्या है प्रोपोर्शनल गेन, ये भी क्या है, एक जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो पीआईडी उसका क्या है गेन है, एक सिस्टम का क्या है गेन है। सिस्टम का गेन कैसे निकालोगे आप, आउटपुट अपॉन इनपुट, जो भी आपका आउटपुट है उसको आप डिवाइड करोगे बाय इनपुट से, तो जो भी आपका आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा आपका सिस्टम का गेन होगा। आइडियल स्टेट में गेन इज ऑलवेज वन, मतलब जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, मतलब गेन क्या है वन, ये आइडियल स्टेट है। तो अगर आप पीआईडी कंट्रोल यूज कर रहे हो तो उस सिस्टम का गेन ये आप सेट करते हो, आपको सिस्टम का गेन कितना चाहिए, मतलब मान लो कि मैं इनपुट मैं 100 दे रहा हूँ, आउटपुट मुझे कितना चाहिए, 80 चाहिए, 90 चाहिए या 120 चाहिए, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा सिस्टम का गेन होगा। वो गेन भी आप ही सेट करते हो, आप 1 डालोगे, 1.5 डालोगे, 2 डालोगे। ठीक है ना, तो जितना इनपुट है उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए या हाफ चाहिए, ये आप सेट करते हो। ठीक है, द सेकंड थिंग इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रल गेन कह सकते हो आप इसको, या फिर इसको आप रिसेट भी कह सकते हो। बेसिकली इंटीग्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ वैल्यूज, क्या होता है समेशन ऑफ वैल्यूज। तो समेशन ऑफ वैल्यूज कैसे निकालोगे आप, तो ये क्या करेगा आपकी जो आउटपुट है, सॉरी जो आपका एरर है, वो एरर का कि वो क्या करेगा समेशन करेगा, क्या करेगा समेशन करेगा, मतलब वो जितना भी एरर है आपका और जितना भी आप टाइम डिफाइन कर रहे हो उस टाइम के अगेंस्ट ये क्या करेगा एरर वैल्यू का समेशन करेगा और उसका जो आउटपुट है वो आपको आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल गेन में एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर ऑलवेज एक ऑफसेट जनरेट होते रहता है, मतलब जो भी सेट पॉइंट है उस सेट पॉइंट को वो अचीव नहीं कर पाता इन प्रोपोर्शनल में, इन प्रोपोर्शनल में। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, जो ऑफसेट है ऑफसेट को वो क्या करेगा मिनिमाइज करेगा, और लेकिन इससे क्या होगा कि सिस्टम का गेन, सिस्टम का रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, मतलब सिस्टम क्या होगी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर डेरिवेटिव कंट्रोल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं डेरिवेटिव कंट्रोल। इंटीग्रेशन की वजह से सिस्टम क्या हो गई थी स्लो हो गई थी, तो डेरिवेटिव क्या करता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा, मतलब कैसे करेगा वो, डेरिवेटिव का टर्म का मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर से वो क्या कैलकुलेट करेगा कि कितने रेट से एरर चेंज हो रहा है, तो उससे वो क्या कर सकता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा मतलब वो क्या करेगा रिस्पॉन्स फास्ट लेगा, वो क्या करेगा रिस्पॉन्स उसका क्या होगा फास्ट होगा, और वो सिस्टम उसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा तो क्या होगा कंट्रोल की एक्शन भी क्या होगी फास्ट हो जाएगी। तो जहां पर आपको कंट्रोल एक्शन फास्ट चाहिए वहां पर आप डेरिवेटिव की टर्म के लिए है वो आप उसका बढ़ा सकते हो, उसका आप रेट आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और जहां पर आपको लगता है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स आपको स्लो चलेगा
लेकिन सिस्टम आपकी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। सिस्टम का रिस्पांस लो और उसकी एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन हो, तो वहां पर आप क्या करोगे कि सॉरी क्या कौन क्या यूज करोगे आप, पीआई कंट्रोल यूज करोगे। ठीक है, क्या यूज करोगे आप, पीआई कंट्रोल। मान लो कि कुछ कुछ सिस्टम्स होती है जहां पर आप रिस्पांस फास्ट नहीं ले सकते। ठीक है, मान लो कि आपका जो हाई प्रेशर पे या हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो और वहां पर आपको फास्ट रिस्पांस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर फास्ट रिस्पांस होगा तो जो लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन है, वो क्या होगी, हैमर होगी या कभी कभी फट भी सकती है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, एक्यूरेसी हो और सिस्टम स्मूथली काम करे, फास्ट रिस्पॉन्स ना हो। ठीक है, फॉर द सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी। ठीक है, तो वहां पर ओनली क्या है कि पीआई कंट्रोल यूज करते हैं। और जहां पर आपको लगता है कि नहीं सिस्टम का रिस्पांस फास्ट होना चाहिए, तो वहां पर पीआईडी कंट्रोल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम बेसिकली तीन मेन पैरामीटर्स है। अब हम इनका रिस्पांस देखेंगे, अगेंस्ट कंट्रोल सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स के, उसके अगेंस्ट। तो कंट्रोल सिस्टम के पैरामीटर्स कौन कौन से है, फर्स्ट एक है राइज टाइम, एक है ओवरशूट और थर्ड है सेटिंग टाइम। तो पहले उनको समझ लेते हैं। तो राइज टाइम क्या होता है, किसी भी सिस्टम का राइज टाइम मतलब क्या, फ्रॉम 10 to 90% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, राइज टाइम मतलब क्या, उसको 10 to 90% को अचीव करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको क्या क्या कहोगे आप, राइज टाइम कहोगे। ओवरशूट मतलब क्या हो रहा है, ऑसिलेशंस कब आ रहे, मतलब क्या हो रहा है, ओवरशूट हो रहा है। सेटलिंग टाइम मतलब क्या, उसका जो आउटपुट है उसको अचीव करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, उसको क्या कहोगे आप, सेटलिंग टाइम, उसको क्या कहोगे आप, सेटलिंग टाइम। ठीक है, और स्टेडी स्टेट एरर मतलब क्या होगा आपका, जो एरर कॉन्स्टेंट रहता है, हमने देखा ना ऑफसेट, जो ऑफसेट है वो ऑफसेट रहेगा या नहीं रहेगा, ये उसको क्या कहोगे आप, स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, वो एरर कभी चेंज नहीं होगा, उसको आप ऑफसेट कहते हो। तो पीआईडी कंट्रोल का इसके अगेंस्ट रिस्पांस क्या होता है, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर आपने केपी मतलब प्रोपोर्शनल गेन सिस्टम का इंक्रीज किया, तो राइज टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओवरशूट होगा, यहाँ ऑसिलेशंस क्रिएट होंगे। ठीक है, सेटलिंग टाइम में थोड़ा चेंज होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, मिनिमाइज होगा। स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, कम होगा। अगर आप कौन सी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, प्रोपोर्शनल वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इंटीग्रल वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, तो राइज टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, ओवरशूट होगा। ठीक है, सेटलिंग टाइम बढ़ेगा, सेटलिंग टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेटलिंग टाइम बढ़ जाएगा। और स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, ग्रेट रिड्यूस बोल रहा है, स्टेडी स्टेट एरर मिनिमाइज हो जाएगा। हमने कहा था ना ऑफसेट, ऑफसेट को क्या करेगा, ये मिनिमाइज करेगा। तो इंटीग्रेशन टर्म इसके लिए यूज होती है कि वो स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करे, और यहाँ पर उसको वो रिड्यूस कर दे इंटीग्रेशन। ठीक है, थर्ड है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की वजह से राइज टाइम क्या होगा, स्मॉल चेंज, राइज टाइम में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं था। ओवरशूट भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका रिस्पांस क्या है, फास्ट है। सेटलिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका रिस्पांस फास्ट है। स्टेडी स्टेट ऑलरेडी अचीव कर चुका है इंटीग्रल में, तो यहाँ पर उसको स्मॉल चेंज होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा वो चेंज नहीं कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कंट्रोल सिस्टम के अगेंस्ट उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रही है, आप इसको एक बार देख लो अच्छे से। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी क्लियरिफाई नहीं हो रहा है उसको आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ट्विनिंग मेथड्स, पीआईडी के ट्विनिंग मेथड्स क्या क्या, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो पीआईडी की जो वैल्यूज है, पीआईडी मतलब प्रोपोर्शनल गेन रीसेट एंड रेट, उनको आप सेट कैसे करोगे, आप वैल्यू तो डालोगे। ठीक है, लेकिन उस वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, उसके हम कुछ मेथड्स देखेंगे। तो मेथड क्या क्या है, तो सबसे पहले यूज होती है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या होगा कि आप वैल्यू डालो,
रिस्पांस देखो क्या मिल रहा है, अगर रिस्पांस अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो उसको चेंज करो, ठीक है। ट्रायल ले लो, एरर देखो, चेंज करो, तो उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। मतलब क्या है, मैनुअल डाल रहे हो, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ओनली हम ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, सेकंड है ज़िगलर निकोलस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में क्या होता है कि जो ओवरशूट है, जो ऑसिलेशंस है, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले सभी वैल्यू को जीरो करो, प्रोपोर्शनल को वन रखो, प्रोपोर्शनल को वन रखो, और वहां से उसको इंक्रीज करते रहो, वन बाय वन उसको क्या करो, इंक्रीज करो। कब तक? जब तक वो ओवरशूट नहीं होता, जब तक वो ऑसिलेट नहीं होता। जब वो ऑसिलेट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, जितनी भी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड बाय टू करेंगे, और वो क्या होगी उसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू, वो क्या होगी उसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वैल्यू को, मतलब रिसेट को हम क्या करेंगे, वन बाय वन इंक्रीज करेंगे फ्रॉम जीरो। तो इंक्रीज करेंगे कब तक, जब तक अगेन ओवरशूट नहीं होता। ओवरशूट होगा मतलब क्या होगा, ऑसिलेशन आ रहे हैं, ऑसिलेशन आएंगे तो इस वैल्यू को होल्ड करेंगे, डिवाइड बाय टू करेंगे, वो क्या होगी उसकी प्रो इंटीग्रल वैल्यू, रिसेट वैल्यू। तो उसको हम पुट कर देंगे, दो वैल्यू मिल गई। तीसरी वैल्यू को भी सेम, डेरिवेटिव के लिए भी क्या करेंगे, वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम जीरो, जहां पर ऑसिलेशन आएंगे वहां पर उस वैल्यू को होल्ड करेंगे, डिवाइड बाय टू करेंगे, वो क्या होगी उसकी डेरिवेटिव वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को निकालेंगे, और इसी मेथड को कहते हैं ज़िगलर निकोलस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपका पीआईडी का थ्योरी सेशन। अगर इसमें कुछ डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे विथ पीएलसी। अब वहां पर हम देखेंगे प्रैक्टिकल सेशन, पीआईडी किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।